সামরিক অস্ত্রে পাওয়ারফুল বাংলাদেশ নতুন রূপে সাজছে তাদের নৌবাহিনী। যুক্ত হচ্ছে একের পর এক অত্যাধুনিক অস্ত্র। কোন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ? বাংলাদেশের নৌবাহিনী কতটা শক্তিধর জানা আছে? পিছিয়ে রয়েছে বহু দেশ। ইউনাইটেড নেশন কি তরফ সে এক লিস্ট জারি কি গই হ্যাঁ জি হ্যাঁ গ্লোবাল নেভাল পাওয়ার র্যাঙ্কিং 2023 কি জো নেভি কি র্যাঙ্কিং হ্যায় ইউনাইটেড নেশন নে জারি কি হ্যায় ভিউয়ার্স ও আপকো বতা রহে হ্যায় কি কিস তরহ সে বাংলাদেশ নে না সিরফ ইরান বলকে পাকিস্তান তুর্কি স্পেন অর জার্মানি অর তুর্কি জ্যাসা দেশ জো দুনিয়া কো ওয়েপনস सप्लाई करता है एक्सपोर्ट्स करता है उसको भी बांग्लादेश ने पीछे छोड़ दिया। और अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही बढ़िया खबर है और वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। वीडियो भी हमारे पास है, वो भी देखेंगे कि जनाब बांग्लादेश ने वो काम कर दिया जो कोई और देश नहीं कर सका। यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जी हाँ, ग्लोबल नेवल पावर रैंकिंग 2023 की जो नेवी की रैंकिंग है वो यूनाइटेड नेशन ने जारी की है। व्यूवर्स, वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश ने ना सिर्फ ईरान बल्कि पाकिस्तान तुर्की स्पेन और जर्मनी और तुर्की जैसा देश जो दुनिया को वेपन्स सप्लाई करता है एक्सपोर्ट्स करता है उसको भी बांग्लादेश ने पीछे छोड़ दिया। और बांग्लादेश किस नंबर पर रैंकिंग पर इस वक्त बड़ा जमान है खड़ा हुआ है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये पाकिस्तान जो आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर है और फिर आपको पता है कि जो टर्की है वो दुनिया को बड़े बड़े इक्विपमेंट्स देता है वारशिप को लेकर के वार को लेकर। लेकिन फिर अब आपको बताएंगे जो ये जो रैंकिंग जारी हुई है यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये इसके बारे में कहा क्या जा रहा है, यानी ये कौन सा मुल्क युद्ध के लिए जो उसकी नेवी है वार के लिए हर वक्त तैयार होती है, उसकी जो पावर है वो कितनी है, वो व्यूअर्स में हम इस वीडियो में देखेंगे। और फिर मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, वो एक लिस्ट भी आपको दिखानी है। सबसे पहले तो जनाब हम वीडियो देख लेते हैं फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को ना लाइक जरूर किया करें और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले व्यूअर्स, वीडियो देखते हैं, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश ने किस तरह से अपनी नेवी को, अपनी नौबानी को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और यही वजह है कि आज जब वो रैंकिंग सामने आई तो 50 यूनिट्स के साथ बांग्लादेश ने सबको पीछे छोड़ दिया है और साउथ एशिया, फिर उसके बाद आपने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज को भी पीछे छोड़ा है और बड़ी बड़ी जो इकॉनमी है, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, उनको भी पीछे छोड़ दिया है बांग्लादेश ने। क्या वजह है? बांग्लादेश क्या युद्ध करना चाहता है? क्या वजह है? क्या बांग्लादेश अपने पानियों को महफूज करना चाहता है? बे ऑफ बंगाल को बांग्लादेश सिक्योर करना चाहता है? ये सब बातें करेंगे लेकिन इस वीडियो के एंड में, आखिर में, अंत में। तो बढ़ते हैं जी, वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। किंतु युद्धेर कोनो इच्छेई नेई बांग्लादेशेर। দেশটাকে যুদ্ধে ভীষণ ভয় পায়। বাংলাদেশের নৌবাহিনীর ক্ষমতা জানলে অবাক হতে হয়, হাতে রয়েছে বিধ্বংসী মারাত্মক সব অস্ত্র। বাংলাদেশের কাছে বিপুল সমুদ্র সম্পদ রয়েছে, তাই অর্থনীতি আর পর্যটন শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে নৌবাহিনী তাদের কাছে ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট। বাংলাদেশের নৌবাহিনী এখন পরিণত হয়েছে স্মার্ট বাহিনীতে, যুক্ত হচ্ছে নতুন অস্ত্র, নতুন প্রযুক্তি। সাগরে নজরদারি থেকে শুরু করে নিরাপত্তা জোরদার করতে দেশটা হেলিকপ্টার কিনছে, কয়েকটা যুদ্ধ জাহাজও বানাচ্ছে। পটুয়াখালীতে তৈরি হয়েছে নৌবাহিনীর বিশাল ঘাঁটি। গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার 2023 সালের রিপোর্ট বলছে গোটা বিশ্বের সামরিক শক্তি হিসেবে 40তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ অবস্থানে। বর্তমানে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে সক্রিয় সেনার সংখ্যা প্রায় 1,75,000, ট্যাঙ্কের সংখ্যা প্রায় 281টি, সামরিক যান রয়েছে প্রায় 13,000-এরও বেশি, এছাড়াও রয়েছে প্রচুর রকেট আর্টিলারি। নৌবাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় 30,000-এর কাছে।
বাংলাদেশের নৌবাহিনী প্রচণ্ড শক্তিশালী। নৌবাহিনীতে জাহাজের মধ্যে 7টা ফ্রিগেট, এর মধ্যে বিএনএস বঙ্গবন্ধু সব থেকে আক্রমণাত্মক মিসাইল বহন করতে পারে। এছাড়াও রয়েছে 6টা করভেট, 2টো সাবমেরিন, 5টা মাইন ওয়ারফেয়ার, টহল নৌযান প্রায় 30টি। এত শক্তিশালী বাহিনী কিন্তু শ্রীলঙ্কা, নেপাল কিংবা ভুটানের মতো দেশগুলোর কাছেও নেই। বাংলাদেশের নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করতে যুক্ত হয়েছে 2টো যুদ্ধ জাহাজ, যেখানে রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির কামান। মাটি থেকে আকাশে কিংবা মাটি থেকে মাটিতে দ্রুত ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া যাবে। এছাড়া রয়েছে সাবমেরিন বিধ্বংসী রকেট, ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম, র্যাডার জ্যামিং সিস্টেম, অত্যাধুনিক সার্ভাইল্যান্স র্যাডার সহ প্রচুর অস্ত্র। জানলে আশ্চর্য হবেন, এই জাহাজগুলো কিন্তু যুদ্ধের কাজে না, বাংলাদেশ ব্যবহার করে সন্ত্রাস, জলদস্যু দমনে, চোরা চালানকারী বিরোধী নানান অপারেশন পরিচালনায়, সমুদ্রে উদ্ধার তৎপরতার মতো কাজে। বাংলাদেশের সামরিক শক্তির গর্ব বাংলাদেশের নৌবাহিনী। ধীরে ধীরে প্রশিক্ষণ পেশাদারিত্বে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হচ্ছে বাংলাদেশের নৌবাহিনী। দেশটা শুধুমাত্র স্বাধীনতা আর সার্বভৌম রক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে শক্ত উপযুক্ত করছে, অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ চড়ানোর কোনো ইচ্ছে নেই বাংলাদেশের, স্পষ্ট জানিয়ে দেন এই কথা বারবার শেখ হাসিনা। হ্যাঁ, এটাই বাংলাদেশ, কোনো দেশের সঙ্গে যুদ্ধ চায় না, রক্ত চায় না। দেশটা চাইলে মিয়ানমারের যুদ্ধের উস্কানি অনেকদিন আগেই বন্ধ করে দিতে পারত, চাইলেই প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে কিম জং উনের মতো অস্ত্র প্রদর্শন করতে পারত, কিন্তু এসবের কিছুই করেনি। যখন বিশ্বের অন্যান্য শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো অস্ত্রের প্রদর্শন দেখাতে ব্যস্ত, মানুষ মারতে নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারে মেতেছে, তখন বাংলাদেশের এমন পদক্ষেপকে কুর্নিশ জানাতে হয়। ক্ষমতার আস্ফালন নয়, দেশটা চায় শুধু বন্ধুত্ব। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, प्रथम कलकत्ता इंडियन मीडिया की, वेस्ट बंगाल मीडिया की, वो रिपोर्ट कर रहे थे बांग्लादेश जनाब अपनी सबमरीन में इजाफा कर रहा है और सबमरीन बेस बांग्लादेश ने बना ली, यानी एक बेस के ऊपर एक टाइम में एट अ टाइम आप उसके ऊपर जनाब 7 से 8 जो सबमरीन है वो वहाँ पर स्टे कर सकती हैं, उतर सकती हैं, रह सकती हैं। ये देखिए ना कितनी बड़ी अचीवमेंट है, और बांग्लादेश अपनी नौबानी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, यही वजह है कि आज ना सिर्फ इंडियन मीडिया बांग्लादेश की तारीफ कर रहा है बल्कि इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की एक जो रिपोर्ट आई है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्लोबल नेवल पावर रैंकिंग 2023 है, ये जो ताज़ा तरीन है, उसमें जो बांग्लादेश है ना जनाब, उसने ईरान को, पाकिस्तान को, टर्की को, जर्मनी को, फ्रांस को, बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। और बांग्लादेश जो इस वक्त रैंकिंग पे है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो 16th नंबर पर है, 16वें नंबर पर बांग्लादेश है 50 यूनिट्स के साथ, यानी बांग्लादेश की जो ताकत है नौबानी की वो 16वें नंबर पर है, और 17वें नंबर पर स्पेन की नेवी है, और इसके साथ साथ 18वें नंबर पर जर्मनी की नेवी है। ये आप ग्राफ भी देख सकते हैं, ये आपके सामने ये ग्राफ भी है, और उसके बाद में आप पाकिस्तान का भी आपको बता देता हूँ। ये देखें ना जी, पाकिस्तान 29 नंबर पर है, ये देखें जी, 31 यूनिट्स के साथ, और फिर फिलिपाइन आ जाता है, फिर अर्जेंटाइन आ जाता है, साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया भी 25 यूनिट्स के साथ 33वें नंबर पर है। इस तरह बाकी सारे वो देश हैं, ये देखें ना जी, तुर्की भी पीछे है, सारे देशों को बांग्लादेश ने पिछाड़ दिया है। यानी बांग्लादेश अगर अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है, तो इन दिनों में कुछ पास्ट में अगर हम चले जाएं तो उसने अपनी नेवी को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। वो चाहता है कि मैं अपनी नेवी को, अच्छा एक सवाल उठता है कि क्या वो युद्ध करना चाहता है? नहीं भाई, वो युद्ध नहीं करना चाहता, वो अपने आप को मजबूत करना चाहता है ताकि बे ऑफ बंगाल पर, आपको पता है कि म्यांमार और फिर इंडिया ने भी वहां पर कब्जा जमा रखा था, फिर बांग्लादेशियों कब्जा वहां से छुड़वाया, और वहां पर ऑयल एंड गैस बड़े लेवल पर है, बड़े पैमाने पर है। आपको पता है एक्सो मोबिल भी वहां पर आ रही है खोज लगाने के लिए, और $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रही है, अमेरिका की कंपनी है जो ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन करती है। अच्छा, इस चीज को लेकर के बांग्लादेश ने चाहा कि क्यों ना हम अपने
आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कोई हमारी तरफ ना देखे, अगर देखे तो हम उसे जोड़ा दें, क्योंकि हमारे पास इतनी पार होगी, हमारे पास इतनी ज्यादा चीजें होंगी तो फिर हमारी तरफ कोई नहीं आएगा, हमारे पानियों के ऊपर हमला कोई नहीं करेगा, बे ऑफ बंगाल महफूज रहेगा। मेरे ख्याल में एक अच्छी स्ट्रेटजी है बांग्लादेश की, यही वजह है कि आज ग्लोबल फायर इंडेक्स के अंदर भी बांग्लादेश की रैंकिंग बेहतर हो रही है और साथ ही साथ जनाब दुनिया भी बांग्लादेश की तारीफ कर रही है। व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।